8000 चमारों ने बौद्ध धर्म की दीक्षा सहारनपुर के नागल जिले में ली और कल जाके 50,000 लोग फिर से बौद्ध धर्म की दीक्षा लेने वाले। क्योंकि इस देश में जो अन्याय अत्याचार होता है, ये अन्याय अत्याचार ये केवल जाति के आधार पर होता है, ये पैसों के आधार पर नहीं होता कि तू इतना पैसे वाला है, मैं गरीब हूं। वरना आज हमारे अमीरों के ऊपर भी अन्याय अत्याचार तो हो ही रहे, पढ़े लिखे लोगों के ऊपर हो रहे हैं, ये केवल जाति के आधार पे होते हैं। और इसलिए अगर इस देश से अन्याय अत्याचार करप्शन ये सब नष्ट करना होगा तो सबसे पहले जाति को नष्ट करना होगा। हमारे नरेंद्र मोदी जी क्या नारा देते हैं, 8 नवंबर 2016 को टीवी पे आते हैं और रात को 9 बजे कहते हैं कि कल से 500 और 1000 रुपए की नोट बंद कर दी जाएगी, ये लागू नहीं होगी। क्यों? क्योंकि देश में करप्शन बहुत बढ़ गया, देश में अत्याचार हो रहे हैं, देश में बलात्कार होते हैं, देश में इस तरह से घटनाएं होती हैं और इसका मुख्य कारण होता है कैश। और इसलिए इस देश की इकोनॉमी को, इस देश की अर्थव्यवस्था को कैशलेस कर दो और कैशलेस होने के बाद अन्याय अत्याचार करप्शन सब मिट जाएंगे। मैं आप इस प्रोग्राम के माध्यम से आपको भी बताना चाहूंगा, इस देश में अन्याय अत्याचार कैश के वजह से नहीं हो रहे, इस देश में अन्याय और अत्याचार कास्ट के वजह से होते हैं। इसलिए इस देश को कैशलेस नहीं कास्टलेस करने की जरूरत है, इस देश को कास्टलेस करने की जरूरत है, इस देश को डीमोनेटाइजेशन की नहीं डी ब्राह्मणाइजेशन की ज्यादा जरूरत है, डी ब्राह्मणाइजेशन करने की ज्यादा जरूरत है। जिन ब्राह्मणवादी व्यवस्था ने इस देश में जाति की निर्माण कर दिया है, उस जाति को नष्ट करने के लिए इस देश को भी डी ब्राह्मणाइज करना पड़ेगा। और इसलिए आज बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया के माध्यम से बाबा साहब अंबेडकर जी ने, देखिए बाबा साहब अंबेडकर जी, हम लोगों को पता लगता है कि बाबा साहब ने बौद्ध धर्म 14 अक्टूबर 1956 को लिया, बाबा साहब अंबेडकर जी ने बौद्ध धर्म की जो आज इस देश में हम लोग जो डेट निकालते हैं वो 14 अक्टूबर 1956 हो जाती। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा, बाबा साहब अंबेडकर जी ने बौद्ध धर्म की दीक्षा लेने से पहले भारत में बौद्ध धर्म का प्रचार और प्रसार करने के लिए संस्था निर्माण की। बाबा साहब अंबेडकर जी ने ये जो संस्था बनाई दी बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया, जिसको हिंदी में या प्रांतीय भाषा में हम लोग भारतीय बौद्ध महासभा कहते हैं, इस संस्था का गठन बाबा साहब अंबेडकर जी ने 1955 में ही किया और बाबा साहब अंबेडकर जी को इसका पंजीकरण 4 मई 1955 को प्राप्त हुआ और बाबा साहब अंबेडकर जी इस संस्था के माध्यम से भारत को बौद्धमय बनाने का काम बाबा साहब अंबेडकर कर रहे थे। और जैसे ही बाबा साहब अंबेडकर जी ने इस बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया के माध्यम से बौद्ध धर्म के दीक्षा के कार्यक्रम आयोजित किए, बाबा साहब अंबेडकर जी ने इस व्यवस्था को बहुत बड़े पैमाने पर हिलाने का काम इस देश में किया। बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया के माध्यम से ही इसी अलीपुर रोड के बाबा साहब अंबेडकर जी के बंगले में बाबा साहब अंबेडकर ये सारा कारवा बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया का चला रहे थे। आज हम लोग यहाँ पर जो बैठे हैं ये भी बाबा साहब अंबेडकर की जमीन। लेकिन आज इस बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया को बचाने की बहुत बड़ी जरूरत है। गली गली में हम लोग देखते हैं, अलग अलग राज्यों में देखते हैं, बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया यानी बाबा साहब अंबेडकर की संस्था को बहुत बड़े पैमाने पर ये जो मनुवादी व्यवस्था है ये काबिज करने के लिए, उनकी प्रॉपर्टी हो, ये सारा जो बाबा साहब का जो मुख्य उद्देश्य था उस उद्देश्य से हटाकर कुछ अलग ही करने के लिए इस बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया को काम पे लगाया जा रहा है। और इसलिए मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि बाबा साहब अंबेडकर जी ने बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया का गठन किस लिए किया। आज हम लोग यहाँ पर थोड़ी देर में बंते जी के द्वारा बौद्ध धर्म की दीक्षा लेंगे। बाबा साहब अंबेडकर जी ने इस संस्था का सदस्य होने के लिए दो कंडीशंस रखी है। पहली कंडीशन बाबा साहब ने रखी है कि अगर आपको बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया का सदस्य होना है तो सबसे पहले तो बौद्ध धर्म की दीक्षा लेनी होगी। अगर आप बौद्ध धर्म की दीक्षा ही नहीं लेते तो बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया के मेंबर कैसे हो गए। और दूसरी कंडीशन, आपको एनुअल मेंबरशिप फीस भरनी होगी। तब बाबा साहब अंबेडकर जी कितने रुपीस, कितने पैसे चार्ज किया करते थे? 1 रुपये। खुद बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिखा हुआ है
और आज 2017 को ये फीस 10 रुपए है। इसलिए मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि बाबा साहब अंबेडकर जी के संस्था के माध्यम से बहुत हम के ये जो प्रमाण पत्र आप लोगों को मिलने वाले हैं, इसी के साथ साथ बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया के मेंबर्स आप लोग बनिए और बाबा साहब अंबेडकर जी के संस्था के माध्यम से जो काम इस देश में हम लोग कर रहे हैं उसमें आप लोग शामिल हो जाइए। उसमें शामिल होकर बाबा साहब अंबेडकर जी का ये कारवा किस तरह से आगे बढ़ाना है वो हम लोगों को साथ में लेकर होना करना पड़ेगा, वरना बाबा साहब अंबेडकर जी के जितने भी इस संस्था के प्रॉपर्टीज है, जितने भी उद्देश्य है उसको हटाकर आरएसएस से यहाँ पर दिया है। फॉर्म्स हम लोग कुछ साथ में लेकर आए हैं, कुछ अगर कम भी पड़ते हैं तो भी भंडारी साहब को हम लोग अगले इसमें दे देंगे, विजिट में दे देंगे। दीक्षा के प्रमाण पत्र है, आइडेंटिटी कार्ड्स है। देखिए मैं मेरे हायर एजुकेशन पूरी करके जब मैं ये सोशल मूवमेंट में उतरा और सोशल मूवमेंट में उतरने के बाद मैंने देखा कि इस देश में खास करके बुद्धिस्टों की, मैं मैनेजमेंट का स्टूडेंट हूं इसलिए मैं थोड़ा सा बुद्धिज्म के मैनेजमेंट के ऊपर बात करूंगा। मैंने देखा कि इस देश के पौधों का कोई व्यवस्थापन ही नहीं, कोई मैनेजमेंट ही नहीं। आप लोग कहां से आए हो कोई आप बताओ, दिल्ली के कौन से प्रदेश से आए हो, भंडारी जी कौन से गांव ये यहां से आए होंगे, तो आपके बाजू में और कोई बौद्ध रहते होंगे, विहार है आपके यहां पर, विहार बौद्ध विहार आपके बाजू में कोई विहार होगा, तो क्या आपको उस विहार में कितने लोग सदस्य हैं ये आपको मालूम है? मालूम है? नहीं मालूम। 70 साल इस देश को आजाद होकर हुए हैं। 1956 में बाबा साहब अंबेडकर जी ने हम लोगों को बौद्ध किया, हमको हमारे बाजू के गली में कितने बौद्धों के घर है ये अभी तक हमको नहीं मालूम। इतनी भी मैनेजमेंट हम लोगों ने आज तक नहीं बनाई। और इसलिए मैं ये काम, मैंने ये देखा कि आज मुझे अगर आपके पास कोई मैसेज भेजना है तो मेरे पास वो सिस्टम नहीं है। आपको अगर मुझे कुछ बताना है तो आपके पास वो सिस्टम नहीं है, और इसलिए हमको ये सिस्टम आज बनानी होगी। मैं आपको एग्जांपल देता हूं, आप लोग मुस्लिम लोगों की ईद को थोड़ा सा लास्ट दो एक साल पहले की एक ईद गई थी, उस ईद में चांद नहीं दिखने वाला था, जो नेशनल हॉलीडे पब्लिक हॉलीडे डिक्लेयर किया था गवर्नमेंट ने, उस गवर्नमेंट के हॉलीडे के दिन पर चांद दिखने नहीं वाला था। तब इसी दिल्ली के बुखारी जो जामा मस्जिद में बैठते हैं उन्होंने वहां से ऑर्डर निकाला कि पब्लिक हॉलीडे के दिन कोई भी ईद सेलिब्रेट नहीं करेगा, उसके नेक्स्ट दिन ईद सेलिब्रेट होगी। पूरे देश में हॉलीडे के दिन, छुट्टी के दिन कहीं पर भी ईद मनाई नहीं गई, वो दूसरे दिन ईद मनाई गई। यानी दिल्ली के जामा मस्जिद में बैठा हुआ बुखारी सारे देश के मुसलमानों से संपर्क कर सकता है। क्या आपका ऐसा कोई आदमी है जो भारत के सभी बौद्धों से संपर्क कर सकता है? नहीं, नहीं। और ये ही हम लोगों को तैयार करना होगा। आज हो क्या गया है, हम लोग सभी लोग काम तो कर रहे हैं लेकिन कौन से दिशा में कर रहे हैं हम लोगों को कोई मालूम नहीं। यानी हम लोगों की अवस्था कैसी हो गई है, हम लोगों ने स्टोरी सुनी थी कि चार अंधे होते हैं और हाथी दिया जाता है और उसको डिस्क्राइब करने को कहते हैं कि हाथी का आकार कैसा है। कोई पूंछ पकड़ता है तो कहता है कि हाथी ऐसा है, ये पूंछ के शेप का है। कोई पेड़ पकड़ता है तो कहता है हाथी का शेप ऐसा ही है। वैसी हम लोगों की अवस्था हो गई, हम लोगों के पास कोई मैनेजमेंट नहीं है, और इसलिए ये मैनेजमेंट हम लोगों को तैयार करना होगा। ये बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया के माध्यम से मेंबरशिप के फॉर्म इसलिए आप लोगों से भरवा के लिए जा रहे हैं ताकि आपको मेरे बारे में और मुझे आपके बारे में जानकारी हो। अभी मैं बिहार में सुबह हम लोग आए, बिहार में बैठे थे आपके सामने, आप लोगों में ही वो कार्यकर्ता बैठे होंगे, वो पूछ रहे थे आप बाबा साहब के बाद कैसे, फिर उनके बाद कैसे, फिर उनके, यानी आज हमारे पास
बाबा साहब अंबेडकर जी की फैमिली ट्री का भी मालूम नहीं है हम लोगों को।